बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्मों के अलावा अपने फैशन सेंस को लेकर भी काफी चर्चा में बनी रहती हैं। जहां एक तरफ तो लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके फैशन सेंस को लेकर भी उन्हें जमकर ट्रोल कर देते हैं। जहां अभी हाल ही में ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जहां उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले 21 सालों से कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अपने फैशन का जलवा बिखेर रही हैं। वहीं इस बार इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 मई से शुरू हो गई थी, जहां सारा अली खान से लेकर ईशा गुप्ता और मृणाल ठाकुर तक कई सितारों ने रेड कारपेट पर वॉक किया है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने भी ब्लैक और सिल्वर गाउन में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा। हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका लुक वायरल हुआ, अभिनेत्री ट्रोलिंग का शिकार हो गई। दरअसल कांस फिल्म फेस्टिवल में एक तरफ तो लोगों को ऐश्वर्या का लुक काफी भा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को उन्हें देखकर ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया का महत्वपूर्ण किरदार याद आ गया, क्योंकि अभिनेत्री के गाउन में एक बड़ा ब्लैक रंग का बो बना हुआ था, जिसे देख यूजर्स को जादू का किरदार याद आ गया और लोगों ने उनकी तुलना फिल्म कोई मिल गया जादू से कर दी, जिसके बाद ऐश्वर्या का यह लुक सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा, ऐश्वर्या राय को इस लुक की प्रेरणा किससे मिली है, वह शख्स मिल गया है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, पहली तस्वीर स्विगी इंस्टामार्ट से आइसक्रीम डिलीवरी की है और दूसरी तस्वीर ऐश्वर्या राय के कांस का लुक। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से यूजर ऐसे ही ढेरों सारे कमेंट्स करके अभिनेत्री को अपने लुक के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इसी के साथ अब पूरे इंटरनेट पर ऐश्वर्या के इस कांस फेस्टिवल का लुक फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है। वैसे ऐश्वर्या राय के इस लुक पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।